सुरंग में छिप गए क्या टॉकी, ताले पर ताला, कितना अजीब मौलाना बरेली वाला। सोचिए कल तक कहते थे कि कानून को अपना काम करना चाहिए, आज जब कानून घर की चौखट पर पहुंचा, पूछा मौलाना साहब कहां हैं, तो जवाब देने वाला कोई नहीं, ताले पर ताला और मौलाना साहब फरार। ये कहानी बरेली वाले मौलाना के नाम से मशहूर तौकीर रजा की। बरेली में आज कुर्की जब्ती हो गई, पुलिस क्या क्या ले गई ये आगे आपको पता चलेगा। आगे ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर भी पहुंच सकता है अगर आरोपी मौलाना हाजिर नहीं हुए तो, क्योंकि मुद्दा भी गंभीर है और यूपी में बाबा है। सवाल पब्लिक का, पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी बरेली से। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार देंगे। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा। मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा। कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है लेकिन भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना तौकीर रजा कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट मौलाना के खिलाफ लगातार नोटिस जारी कर रहा है लेकिन भड़काऊ तकरीर देने वाले मौलाना साहब लुका छुपी खेल रहे हैं। 11 मार्च से फरार चल रहे मौलाना तौकीर रजा को तीसरी बार कोर्ट के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया था लेकिन मंगलवार को भी तौकीर रजा कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई कोर्ट पहुंचा। मौलाना तौकीर रजा लगातार पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल कर रहे हैं, न कोर्ट में पेश हो रहे हैं न पुलिस के सामने। ऐसे में मौलाना साहब के खिलाफ बड़ी पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी कर चुकी है। खबर ये कि मौलाना तौकीर की संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनके सौदा गरान वाले आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इसके अलावा तौकीर की और भी चल अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। इतना ही नहीं, बड़े पुलिस की 12 टीमें 5 राज्यों में तौकीर की तलाश कर रही हैं। कुल मिलाकर अब भड़काऊ मौलाना पर पुलिस का डंडा चलने वाला है। हालांकि बरेली कोर्ट में आज तौकीर रजा मामले में सुनवाई हो नहीं सकी। बताया जा रहा है कि कोर्ट बदलने की अर्जी के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। आज डेट फिक्स थी, अब आज माननीय न्यायालय में इसलिए कोई सुनवाई या अग्रिम आदेश नहीं हो पाया है कि इसी फाइल में एक अभियुक्त है सारू, उसने उक्त पत्रावली माननीय न्यायालय IPC फर्स्ट के यहाँ से ट्रांसफर करने की माननीय जिला जज साहब के यहाँ TA मूव की है और TA की कल दिनांक 18/3/2024 को सुनवाई हो चुकी है। उसमें 21 तारीख डेट फिक्स की गई है जजमेंट के लिए, जो भी जजमेंट हो। तो इसलिए उक्त पत्रावली IPC फर्स्ट से जो मूल पत्रावली है वो BJ साहब के यहाँ तलब कर ली गई है, इसलिए आज उसमें तारीख लगा दी गई है। जब से भड़काऊ बयानबाजी वाले तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ, भाईजान बिल में जा चुके, कहां है, किस जगह है, किसी को कुछ नहीं पता। बरेली वाले मौलाना के घर के सभी दरवाजों पर ताला है। इस वक्त हम तौकीर रजा के बरेली निवास पर है जहां पर नोटिस चस्पा किया गया था और आप देख सकते हैं ये उनका ये गृह स्थान है जहां पे वो रहा करते हैं, यहां बैठा करते हैं। यहां पे इस दरवाजे पे नोटिस चस्पा किया गया था लेकिन नोटिस को फाड़ दिया गया है। लेकिन कहां है तौकीर रजा, क्योंकि तौकीर रजा पे ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब बरेली पुलिस उनको गिरफ्तार करने की बात करती थी तो तौकीर रजा बड़े ताल ठोक के कहा करते थे कि बरेली पुलिस अगर वो दोषी है तो उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जब कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट के अंदर पेश हो तो तब से तौकीर रजा फरार नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा से मिलने जो लोग आते थे वो उनके इस घर के इस जगह पे रुका करते थे लेकिन यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है और तौकीर रजा से मुलाकात उनकी कभी काफी समय से नहीं हुई है क्योंकि आसपास के लोग हैं। जब उनसे पता करने की तौकीर रजा को आखिरकार कब देखा गया यहाँ पर आखिर बार, तो उनका कहना है कि तौकीर रजा काफी समय से यहाँ पर नहीं आए। हमने दिल्ली में भी उनके जो ठिकाने थे वहां गए थे, पता लगाया था कि तौकीर रजा वहां कब आए कब नहीं आए, तो वहां पर भी तौकीर रजा काफी समय से नहीं पहुंचे हैं। भड़काऊ तकरीर देने वाले तौकीर रजा की तलाश में पुलिस 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2, 4, 5 नहीं, कुल 12 टीमें दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन वो भागा हुआ घूम रहा है। पुलिस ने तौकीर रजा के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया लेकिन भड़काऊ मौलाना देश में है या विदेश में
इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। इससे जुड़ी और अपडेट बताएं, लेकिन उससे पहले खुद को मुसलमानों का सेफ्टी वॉल्व बताने वाले मौलाना की ये भड़काऊ तकरीर सुनिए। मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा, और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। जो मौलाना कुछ दिनों पहले तक गिरफ्तारी का शोर मचाया था, वो अब अंडरग्राउंड हो चुका है। पुलिस से बचने के लिए हर हथकंडा आजमा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने नया दांव चला, लेकिन हथकंडा काम नहीं आया। बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां से झटका लगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जिससे मौलाना को फिलहाल तो कोई राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों पक्ष में जो आज बहस हुई है उसमें तौकीर रजा का पक्ष बेहद कमजोर है। सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की धमकी दिया करते थे तौकीर रजा। मुसलमानों की ठेकेदारी तौकीर रजा ने स्वयंभू हासिल कर ली है, लेकिन अब कानून के सिकंजे में जब अपना रुख टाइट किया है तो तौकीर रजा अब फरार काट रहे हैं। सवाल ये कि आखिर भड़काऊ मौलाना कहां गायब है? मौलाना जी को पनाह कौन दे रहा है? कहीं वो चकमा देकर विदेश तो नहीं निकल गए? इन सवालों की पड़ताल पुलिस कर रही है और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी कर रही है। नो पहले तक मौलाना तौकीर का जलसा होता था, वहां सन्नाटा है। ना तो वो घर पर हैं, ना ही उनको सुनने वाले और ना ही उनकी तकरीरों पर अमल करने वाले। लेकिन वो लोग जरूर हैं जो 2010 के उन दंगों में अपना बहुत कुछ गंवा बैठे, जिसके पीछे मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीर थी। तौकीर रजा खान ने एक जो बयान दिया था कि अगर चंद पुलिस अगर चंद वक्त कर दे दे तो पूरी बरेली जो तहस नहस हो जाएगी, कुछ इस तरीके का अभद्र व्यवहार बयान था। उस बयान को देखते ही कुछ ही वक्त कुछ ही पलों के अंदर पूरा कुहाड़ा फिर आग से भर गया था। पे आपकी दुकान थी? जी जी, मैं चौकी से कुछ ही दूरी पे है मेरी दुकान। किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी कन्फेक्शनरी थी, दशमेश बिस्किट बेकरी कन्फेक्शनरी थी हमारी। और पिताजी और भैया जी उस टाइम भैया बैठे हुए थे, और जब दंगा हल्का हल्का जब बढ़ा तो दुकान बंद करके पापा घर पे चले गए थे, लेकिन मैं रोड पर ही था उस टाइम पे। और देखते देखते देखा गया कि सब व्यंजन रेस्टोरेंट वहां पर है वो पूरा अग्नि के हवाले कर दिया गया, चौकी पूरी फूंक दी गई, और बान खाने के अंदर तो एक दृश्य ऐसा था कि सब्जी वाला एक व्यक्ति था, ठेला लगाता था, उसकी दो बेटियां थी, उनको बिना कपड़ों के मैं मुस्लिम तो नहीं कहूंगा लेकिन शरारती तत्व जो थे टोपियां पहने हुए, तो मैं नहीं कह सकता कि कौन थे, उन्होंने उन लड़कियों को बिना कपड़ों के हवा में उछाल रहे थे और बॉल की तरह उन्हें कैच कर रहे थे। तो उस टाइम वो जो दृश्य था, शायद आज भी उस दृश्य को देख के हमारी जो रूह कांप जाती है। समाज को भड़काने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है। आज ये बंदा ये कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। यानी कल तक जो मौलाना यूपी में चैन की सांसें ले रहा था, अब उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब यह मामला बरेली का भड़काऊ मौलाना वर्सेस यूपी पुलिस हो चुका है। कहा जा रहा है कि मौलाना भड़काऊ बयान देता था, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जो समाज को बांटने का काम करता था उसकी संपत्ति कुर्क होगी, जो मजहब के नाम पर भड़काने का काम करता था उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार को कोसने वाले, बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले तौकीर रजा गिरफ्तारी के डर से घबराए हैं। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले पुलिस से छिपे छिपे घूम रहे हैं, मोबाइल खोलने से भी एतराज कर रहे हैं, कभी मोबाइल ऑन कर रहे हैं तो कभी बंद। अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अब एक्शन की बारी है, और इस बार मौलाना साहब कानून के शिकंजे में ऐसे फंसे कि निकलना मुश्किल होगा। बरेली से मोहित ओम, लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को मिले ईडी के सभी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच केजरीवाल की इस अर्जी पर कल सुनवाई करने वाली है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के केस में 9 और दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी एक समन भेजा गया है। केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। जो आरोप अब तक ढके छुपे थे, जो बात अब तक कयासों में थी, जो मुद्दा अब तक कड़ियां जोड़ने भर का था, वही बात अब खुल गई। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। केजरीवाल जी, आप कहां भागिएगा, कानून के हाथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी से एक प्रेस नोट जारी करवाया और फिर वही पुराना टेप रिकॉर्ड निकाल करके लाए कि 100 करोड़। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। केजरीवाल के सिपाही सालार मनीष सिसोदिया जब शराब घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार हुए थे, तब उन्हें दुनिया का बेस्ट शिक्षा मंत्री बताया गया। सिसोदिया तो केजरीवाल की नजर में आज के भगत सिंह और भारत रत्न के हकदार। मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। और केजरीवाल के ही दूसरे घनिष्ठ सहकर्मी संजय सिंह भी दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में हैं। उन्हें दोबारा राज्यसभा सांसद बनाया गया। कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर जेल से बाहर निकल संजय सिंह ने मंगलवार को सांसद पद की शपथ। सिसोदिया और संजय सिंह की याद इसलिए दिलानी पड़ रही है क्योंकि ईडी के एक कदम से अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्हीं की तरह दिल्ली शराब घोटाले का शिकंजा कस रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए अब कैसा पॉलिटिकल मैनेजमेंट करे, ये एकदम से नई पहेली हो, क्योंकि केजरीवाल के लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिसोदिया और संजय सिंह के मामलों से भी अलग लेवल का करना होगा। यहां ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का केस बहुत सीधा है। ईडी जिस तरह से केजरीवाल का नाम ले रही है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छे संकेत नहीं। ईडी ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि के कविता और अन्य ने आपके शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति को लागू कर फायदा पाने के लिए साजिश, इसके बदले वो आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में शामिल। ईडी का यह बयान 15 मार्च को बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद आया है। यानी के कविता की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी के आरोपों की कड़ियां आपस में सीधे सीधे जुड़ रही हैं और यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता का सबब है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको न्यूट्रल होना भी चाहिए और कम से कम होना तो दिखना तो चाहिए ही चाहिए कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ये बात अ मैटर ऑफ डिबेट है, ये एक बहस का विषय है, इसके विषय में कोई तथ्य सबूत ईडी ने नहीं रखा है। ईडी ने केजरीवाल का नाम शराब घोटाले में ऐसे समय में लिया जब आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही नहीं, इससे पहले शराब घोटाला मामले में पेशी के लिए ईडी उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है। सभी 9 समन को केजरीवाल ने कोई ना कोई दलील देकर खारिज किया। ईडी के सामने केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए, लेकिन केजरीवाल जैसे जैसे ईडी के समन से भाग रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के हमले उन पर बढ़ रहे हैं। आप जांच कराइए ना, किसने रोका है, दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था, दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था, गवर्नेंस महत्वपूर्ण है।
तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था, मैं विपसना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था, असेंबली चल रही है। पांचवा समन आया तो बहाना क्या था, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है, कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल लगभग 6 महीनों से ईडी के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब जब ईडी ने शराब घोटाला केस में सीधे उनका नाम लिया तो ये सिर्फ समन को नजरअंदाज करके बचने भर की बात नहीं रह जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर केजरीवाल से मोदी डरते हैं, इसे बजाने के अलावा आम आदमी पार्टी को कोई पॉलिटिकल रास्ता सूझता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए, ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए। शराब घोटाले केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी के कदम ने आम आदमी पार्टी के सामने संकट खड़ा किया। उधर बीजेपी की भाषा इतनी तीखी कि केजरीवाल बस तलमला कर रह जाए। जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छुट जाते और अंततो गत्वा कानून कातिल पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। बीच दिल्ली जल बोर्ड में भी कथित गड़बड़ी पर केजरीवाल को घेरने के लिए ईडी का ग्राउंड वर्क पूरा हुआ दिखता है। ईडी ने इस मामले में भी केजरीवाल को एक समन भेजा था। शराब घोटाले के समन की तरह इस मामले में समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली जल बोर्ड मामले में अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी अनजान बनी ही फिरती है। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है। आम आदमी पार्टी जानती हो या ना जानती हो, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शक जान लें कि भला केजरीवाल की नई मुसीबत है क्या। ईडी के केस के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड में 38 करोड़ के ठेके के बदले रिश्वत ली गई। ईडी की जांच के मुताबिक 38 करोड़ का ठेका एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी को दिया गया। ये ठेका इस बात की अनदेखी करते हुए दिया गया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पात्रता को पूरा नहीं करती थी। आरोपों के मुताबिक एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर टेंडर हासिल किया। इस पर एक पीडब्ल्यूडी मेंबर ने एतराज भी जताया। यही नहीं, ईडी की जांच में दावा हुआ कि 38 करोड़ के ठेके में से सिर्फ 17 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। यहां ये भी सनद रहे कि मामला 2018 का है, जब केजरीवाल खुद दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे। कहा जा रहा है कि इस ठेके पर फाइनल मोहर लगाने में केजरीवाल के साइन हुए, हालांकि अभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। ऐसे में आम आदमी पार्टी भले केस की डिटेल न जानने का स्वांग रच रही हो, लेकिन पार्टी ने इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी का बैकअप प्लान बताने में देर नहीं की। कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है। दिल्ली जल बोर्ड के केस में ईडी ने 38 करोड़ के ठेके में 17 करोड़ ही खर्च होने की बात कही, तो बाकी बच्चे 21 करोड़ को लेकर भी अपनी जांच की दिशा साफ की। ईडी की जांच के मुताबिक 38 करोड़ का ठेका देने के लिए तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने 10% का कमीशन लिया। ईडी के आरोपों के मुताबिक अलग अलग रूट से बाकी रकम आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में दी गई। जो लोग कभी ऑटो में लटक के आते थे वो लोग आज करोड़ों खरब रुपए कमा रहे हैं। लूटा है हमें, समन से दूर भाग रहे हैं।
केजरीवाल की खुद की राजनीति भ्रष्टाचार के आरोपों से लड़ने से शुरू हुई, लेकिन 2024 में जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी 2047 का प्लान बता रहे हैं, उस दौर में केजरीवाल के खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों का सख्त घेरा ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के उनके दावे को फुस कर रहा है। केजरीवाल ने विपक्ष के जिन दलों को कभी भ्रष्टाचार में लिप्त बताया, जिन नेताओं के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे, मोदी से लड़ने के लिए वो उनके पाले में खड़े दिख रहे हैं। नौबत ये कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उनका सबसे बड़ा नैरेटिव यही बच गया कि खुद भगवान बीजेपी का अंत करेंगे। गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस श्लोक का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं कह रहे, अर्जुन के जरिए पूरी सृष्टि को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म को कुचला जाएगा और जब जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तब मैं उत्पन्न होऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और क्योंकि यहां भगवान कृष्ण के काल की बात हो रही है, तो फिर ये भी देख लीजिए कि उस काल में भी सगे संबंधी आमने सामने हुए थे, क्या इस बार भी होंगे? मुलायम परिवार की दो बहुएं, बड़ी वाली डिंपल यादव, छोटी वाली अपर्णा यादव। पिछले 24 घंटे से यूपी पे जबरदस्त चर्चा है कि डिंपल वर्सेस अपर्णा होगा। क्या सचमुच दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने जा रही हैं, वो भी आमने सामने की टक्कर में? दरअसल अपर्णा की योगी आदित्यनाथ के साथ एक तस्वीर सामने आई है और उसके बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है। डिंपल ने इस पर क्या कहा और सचमुच में मैनपुरी के बैटल ग्राउंड में बहू वर्सेस बहू हो गया तो नतीजा फिर क्या होने वाला है, किसमें कितना दम है? सवाल पब्लिक का में आज की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। नेताजी के परिवार में नेताजी की ही सीट पर क्या खटपट चल रही है? इस बार के चुनाव में बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू की जंग होने जा रही है। क्या मैनपुरी की हॉट सीट पर लेगेसी की लड़ाई अब देवरानी और जेठानी में लड़ी जानी? क्या 2017 में जिस तरह देवरानी अपर्णा के लिए जेठानी डिंपल ने वोट मांगा, अब तो देवरानी जेठानी आमने सामने खड़ी होने जा रही है? मैनपुरी की सीट से डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा कैसे शुरू हुई, इसके लिए पिछले एक हफ्ते की पूरी टाइमलाइन को सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम समाजवादी पार्टी की लिस्ट में 30 जनवरी को आ गया था। इसके बाद से ही बीजेपी ने मैनपुरी में अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। 14 मार्च को अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ ये तस्वीर आती है, जिसमें अपर्णा यादव सुनील बंसल को गिफ्ट देती दिखाई देती है। दोनों हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, जिससे अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि किस माहौल में बातचीत हुई। इसके बाद आती है 15 मार्च। इस दिन डिंपल मैनपुरी में चुनाव प्रचार करती है। उनसे पूछा जाता है कि कयास है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही। इस पर डिंपल कहती हैं कि नेतृत्व जो फैसला लेगा उसका स्वागत किया जाएगा। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद 16 मार्च अपर्णा यादव की मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से। 17 मार्च को अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और इसके अगले ही दिन 18 मार्च आदित्यनाथ योगी दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल होते हैं। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है, तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिखाई? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जब एक एक कड़ी को जोड़ा जाए
तो बीजेपी का इशारा बहुत कुछ साफ होता दिखाई दे रहा है। अपर्णा की लगातार 3 दिनों तक बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात, बीजेपी का मैनपुरी सीट पर अभी तक कैंडिडेट ना उतार, पार्टी में 2 साल से शामिल हुई अपर्णा को अभी तक कोई बड़ा मौका नहीं दिया जाना, ये सारी वो प्रोबेबिलिटी जिन्हें देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से उतार सकती है। मार्च 2022 में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव मुलायम सिंह के जीवित रहते कहते नजर आती थी कि अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होगी लेकिन परिवार वर्सेस परिवार नहीं होगा। मैं नेताजी से कोई विमुख नहीं हूँ, मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू रहूँगी, और किसी भी बहू का कर्तव्य है कि कोई भी अच्छा काम करे तो ज़रूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और नेताजी मेरे लिए ससुर जी भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, पिता हैं, तो मैं यही कहूँगी कि मैंने उनका आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी ही फिर से सरकार बनाएगी, ये मुझे दृढ़ विश्वास है और ये हमारा संकल्प है, हम सारी महिलाओं का जितनी भी थी आज, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे मौर्या प्रियंका मौर्या जी हों, चाहे संयुक्ता भाटिया जी हों, मैं हूँ और भी जितनी भी प्रदेश की सारी महिलाएं आज आई थी, हमारा ये संकल्प है कि हम भारतीय जनता पार्टी फिर से लेकर के आएंगे जी। उन्हीं अपर्णा यादव के सुर अक्टूबर 2022 को नेताजी के जाने के बाद तब बदले जब उन्होंने कहना शुरू किया कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका सम्मान किया जाएगा। अपर्णा के नाम को लेकर एक तरफ जहां कयास लगाए जा रहे हैं तो वहीं डिंपल यादव मैनपुरी में धुआंधार रैलियां और प्रचार करने में जुटी, बार बार उनसे उनकी देवरानी अपर्णा यादव को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और वो बार बार बच बचाकर जवाब देती है। आपकी देवरानी की चर्चा है कि यहाँ पे पता नहीं चुनाव मैदान भाजपा से, इस पे क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि नेताजी की कर्मभूमि रही है मैनपुरी, और जितने भी लोग हैं वो नेताजी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, और नेताजी का उनके साथ बहुत ही भावात्मक रिश्ता रहा है और परिवार की तरह उन्होंने माना है, और मैनपुरी भी हमेशा से पूरी समाजवादी जो परिवार है वो पूरे परिवार की तरह ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा चुनाव होगा चाहे कोई भी आए। डिंपल यादव की फूंक फूंक कर कदम रखने की एक बहुत बड़ी वजह है अपर्णा यादव का नाम, अपर्णा के नाम में यादव लगा है, खुद डिंपल की तरह वो नेताजी के परिवार की बहू है, जिन नेताजी की लेगेसी पर समाजवादी पार्टी मैनपुरी में वोट मांगती है उसी लेगेसी के दावेदार अपर्णा यादव भी। डिंपल यादव नहीं चाहती कि अपर्णा यादव को लेकर उनके दिए बयानों का कोई भी गलत मतलब निकाला जाए। अपर्णा यादव भले अलग पार्टी में हो लेकिन उन्हें परिवार से अलग बताने का रिस्क शायद डिंपल लेना नहीं चाहती। बीजेपी भी अंदर ही ये जानती है कि अपर्णा को मैनपुरी से खड़ा करना इस सीट पर कितना बड़ा फैक्टर होगा। यूपी में हारी हुई सीटों को मजबूत करने का जिम्मा खुद आदित्यनाथ योगी ने संभाल रखा है। अपर्णा यादव अगर मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो ये यादव परिवार के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी साबित होगी। सवाल उठेगा कि मैनपुरी उपचुनाव के वक्त डिंपल के प्रचार प्रसार करने वाले चाचा शिवपाल क्या दोनों बहुओं के लिए प्रचार करेंगे या एक बहू के लिए वोट मांगेंगे? अपर्णा के साथ प्रचार करने प्रतीक यादव भी मैदान में उतरेंगे तो क्या लड़ाई देवरानी वर्सेस जेठानी के बाद अब भाई वर्सेस भाई पर भी आ जाएगी? मैनपुरी उपचुनाव के समय एक साथ एकजुट दिखा यादव परिवार, क्या वैसा ही रह पाएगा? मैनपुरी में बात अगर देवरानी वर्सेस जेठानी पर आती है तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई कांटे की होगी। फिर वर्चस्व की असली जो जंग है वो मैनपुरी के सियासी अखाड़े में ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर बीजेपी ने यहाँ से अपर्णा को टिकट दिया तो ये उसके लिए तुरुप का इक्का हो सकता है, और इसके साथ ही वो डिंपल यादव को कड़ा टक्कर देंगी, और इसके साथ ही लेवल प्लेइंग का जो फील्ड है वो तैयार किया जा सकता है। टक्कर ऐसी होगी कि ना डिंपल कह सकती हैं कि जीत उनकी होनी है, ना ही अपर्णा कह सकती हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। अगर बीजेपी मैनपुरी से जीत जाती है तो मतलब ये कि मैनपुरी वालों ने नेताजी की बहू अपर्णा को अपनाया, यानी बीजेपी को अपनाया। डिंपल और अखिलेश नेताजी का नाम, उनका काम लेकर वोट मांगते हैं। इस तरह से वोट मांगने का अधिकार अपर्णा यादव को भी मिलेगा, यानी बहू वर्सेस बहू के जरिए नेताजी की लेगेसी तय करने की प्रक्रिया में तय हो जाएगा कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी रहेगी या बीजेपी। मुस्लिम यादव समीकरण के बाद पीडीए को मुद्दा बनाकर जो समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में इस बार लोकसभा का बिगुल बजा रही है,
उसकी पारंपरिक सीट मैनपुरी की जनता, वो भी मुस्लिम यादव जनता का समाजवादियों से मोह भंग होता नजर आ रहा है। बस जो है सब लगे हैं कि मोदी जीत जाए और उनसे ही हमें उम्मीद है। गरीब की हालत में चल रहे हैं कि कोई हमें सुविधा लाइफ मिल जाए, हमें जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ जाना है और क्या। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप जाएंगे और मतदान करेंगे, मोदी जी के काम को लेके या अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को लेके? मोदी जी को। क्या कारण है ऐसा जो आप मोदी जी को वोट देंगे? अरे वो सब साधन करते हैं ना। क्या क्या साधन, क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप लोग को? हम करते हैं, अब जी राशन वासन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, अब भी मदद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी यादवों को यहाँ सुतारती है, किसी भी यादव को टिकट देती है, तो यादव समाज वोट देने के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है। इस बार यादव समाज समाजवादी को छोड़कर भाजपा में वोट करने जा रहा है? बिल्कुल। इस बार तो भाई साहब यादवों ने पूरा अपना मूड बना लिया है, मैं भी यादवी हूँ, पूर्ण रूप से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कि समाजवादी को। यादव है मैदान में समाजवादी पार्टी? कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मोह भंग हो गया है? हाँ जी, अगली बार बीजेपी की सरकार आएगी। सरकार आएगी, ऐसे क्या कारण है बीजेपी? क्योंकि अभी तो प्रत्याशी आया नहीं, कोई प्रत्याशी आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन प्रत्याशी आएगा जरूर, जो भी आएगा, लेकिन भाजपा जीतेगी। अपना यादव जब से बीजेपी में आई, तब से कभी उनके विधायकी के चुनाव की खबर, कभी एमएनसी चुनाव की खबर, तो कभी उन्हें बीजेपी में बड़ा पद मिलने की बात। पर अब तक बीजेपी ने अपर्णा को कहीं से भी फील्ड नहीं किया। वजह यही हो सकती है कि बीजेपी अपर्णा को अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या बीजेपी निकालेगी, निकालेगी तो कब और इफेक्ट कितना बड़ा होगा, ये बहुत जल्द सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।